देश में धर्मांतरण और लव जिहाद के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन हमारे देश की सरकार या तो सरकार बचाने में लगी है या तो खाते के बंटवारे में लगी है। ऐसे में महाराष्ट्र की स्थिति देखी जा रही है, पिछले कई महीनों से राजनीतिक उथल पुथल है, लेकिन इस बीच जिस तरह से लगातार धर्मांतरण का मामला सामने आया, लव जिहाद का मामला सामने आया, उसमें सरकार की तरफ से कोई अब तक पहल नहीं की गई है। यही वजह है कि महाराष्ट्र के अहमदनगर में एक बार फिर से एक हिंदू लड़की धर्मांतरण और लव जिहाद की शिकार हो गई। दरअसल महाराष्ट्र के अहमदनगर के कोपर गांव में एक विवाहिता लड़की के साथ कुछ ऐसा हुआ जो आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। दरअसल उस लड़की को पहले प्यार के जाल में फंसाया गया, उसके बाद सामूहिक दुष्कर्म किया गया, उसके बाद जबरन उसकी वीडियो बनाकर उसे वायरल करने के नाम पर उसको धर्मांतरण करवाया गया। लेकिन इस पूरे मामले में हिंदू संगठन ने उस पीड़ित लड़की को बाहर निकाला और इस पूरे मामले में अहमदनगर पुलिस को जानकारी दी। फिलहाल पुलिस ने इस पूरे मामले में धर्मांतरण, लव जिहाद और जबरन बलात्कार के मामले को दर्ज करते हुए चार साथी अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें सबसे प्रमुख मास्टरमाइंड अपराधी कयूम कुरैशी है, उसकी गिरफ्तारी हुई है। लड़की ने जब आप बीती बताई तो लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। दरअसल लड़की ने आरोप लगाया कि किस तरह से सबसे पहले सोशल मीडिया पर उसकी दोस्ती की, दोस्ती करने के बाद उसको अपने प्रेम जाल में फंसाया और उसे विश्वास दिलाया वह उससे शादी करेगा, लेकिन इस बीच मुस्लिम लड़के ने उस लड़की को धर्मांतरण करवाया, उसके बाद दोस्तों के साथ उसके साथ दुष्कर्म करवाया और उसकी वीडियो बनाकर उसे वायरल करने की धमकी देने लगा। इसी लिहाज से लड़की बराबर मजबूर होती रही और मजबूरी के कारण कुरैशी उठाता रहा, लिहाजा उसको इस हद तक आना पड़ा कि या तो वह मौत को गोले लगा लेती या फिर किसी को अपनी आपबीती बताती। फिलहाल लड़की जो है मुस्लिम समुदाय के चंगुल से बाहर है, लेकिन जिन चार लोगों की गिरफ्तारी हुई है उनमें और भी काफ़ी लोग हैं, इस तरह की शिकायत लड़की ने किया है। अब अहमदनगर पुलिस लगातार इस पूरे मामले की जाँच कर रही है, लेकिन क्या कुछ है आइए आपको सुनाते हैं लड़की की आपबीती। लेकिन उसके पहले अहमदनगर पुलिस ने क्या कुछ कहा है वो अभी। लड़की है तरुणी, जिसका इंस्टाग्राम पे इंदौर आके लड़के के साथ मैत्री हुई थी, फ्रेंडशिप, उसके बाद में वो लड़की के ऊपर लैंगिक अत्याचार हुए करके उन्होंने इंदौर का आरोपी और इतर चार आरोपी के खिलाफ पुलिस स्टेशन में FIR दी। उसका गुना उन्हें तुरंत रजिस्टर किया, सीरियसनेस गुने का देख के आरोपी अरेस्ट करने के लिए दो पार्टी रवाना की थी। इंदौर से मुख्य आरोपी को अरेस्ट किया, कोपरगांव से भी दो आरोपी अरेस्ट किए। दो आरोपी अरेस्ट करने के लिए दो पदक हमारे रवाना है, गुने का तपास डिटेल में चालू है। पाँच दिन स्टार्टिंग में तो हम इंस्टाग्राम पे मिले। इंस्टाग्राम पे मिलने के बाद हमारी फ्रेंडशिप थी, एक साल तक हम फ्रेंड्स रहे थे, बेस्ट फ्रेंड्स बन गए धीरे धीरे, फिर थोड़े दिनों बाद क्लोज फ्रेंड बनने लगे। ऐसे एक डेढ़ साल तक चला। एक डेढ़ साल चलने के बाद हम और ज़्यादा क्लोज हो गए। क्लोज होने के बाद हम रिलेशनशिप में आ गए, एक साल के चैट्स वगैरह। तो फिर रिलेशनशिप में हमारा ऑनलाइन रिलेशनशिप हो गया, मतलब इतना क्लोज हो गया कि वो इमोशनली अटैचमेंट था पूरा टोटली। फिर उसके बाद हम कहीं घूमने गए थे हमारी फैमिली के साथ, तो वहाँ से आ रहे थे हम, तो वहाँ पे वहाँ से आते आते इंदौर रुके। इंदौर में हमारी एक दोस्त है जो उसकी भी दोस्त की दोस्त है, वो दोस्त उसने प्लान बनाया कि अपन मिलते हैं, तो हमने प्लान बनाया। फिर हम गए वहाँ पे, मिले,
हमने वहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड किया, फिर हम वापस हमारे गांव आ गए। गांव आने के बाद हम आए तो ज़्यादा क्लोज हो गए कि अभी अभी अपना रिलेशन इतना स्ट्रांग हो गया कि अपन मिल भी चुके, एक दूसरे को जान भी लिया, हमने देख भी लिया, पहचान भी लिया। फिर उसके बाद उसने मुझे बताया कि इस्लाम एक बार देख के देखो, एक बार जान के देखो, इस्लाम बहुत अच्छा है। तो ऐसे करते करते फिर उसने स्टार्टिंग में मेरे को जाकिर नाइक की वीडियो सेंड करी। जाकिर नाइक की वीडियो सेंड करने के बाद उसने मुझे रोज़ नए नए वीडियोस सेंड करना चालू किया। फिर उसके बाद ऐसी वीडियोस थी उसमें कुछ जाकिर नाइक की के कॉन्फ्रेंस चल रही बहुत बड़ी, उस कॉन्फ्रेंस में जाकिर नाइक अकेला मुस्लिम है और बाकी जितने भी कॉन्फ्रेंस के लोग हैं वो सारे हिंदू हैं, और जो भी उनसे क्वेश्चंस कर रहे हिंदू लोग, जाकिर नाइक उसका ऐसा जवाब दे रहा है कि लोग वहीं पर खड़े खड़े कलमा पढ़ रहे हैं, मतलब धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, अपना इस्लाम एक्सेप्ट कर रहे हैं। एक्सेप्ट करने के बाद तो वो देख देख के थोड़ा लगने लगा कि ऐसे कुछ तो बात होगी इस्लाम में कि लोग एकदम एक झटके में इस्लाम एक्सेप्ट कर रहे हैं। फिर भी मैं देखी फिर भी उसने एक बार ट्राई किया कि इस्लाम एक्सेप्ट करवाने का, फिर मैं नहीं मानी। तो फिर उसने ऐसे ऐसे वीडियो सेंड करी कि हिंदू पंडित बहुत सारे और जाकिर नाइक, इन सब की कॉन्फ्रेंस चल रही, ऐसे 15-20 हिंदू पंडित थे, 15-20 उनके कोई मौलाना वगैरह कोई होंगे, ऐसे उनकी कॉन्फ्रेंस चल रही थी कि वो खुद हिंदू लोग अपने मुँह से बता रहे थे कि इस्लाम में सब चीज़ का सोलूशन है, इस्लाम सबसे पहले आया है, इस्लाम में ऐसा है, इस्लाम में ऐसा है। तो उनको देख के लगने लगा कि खुद हिंदू लोग बोल रहे हैं कि इस्लाम बेस्ट है, तो फिर अपने को एक्सेप्ट करने में हर्ज क्या है। तो इस्लाम एक्सेप्ट करने की ऐसे इच्छा हो गई कि अपन भी इस्लाम एक्सेप्ट करेंगे, अपन जान रहे हैं सो। तो फिर सैम ने मुझे बताया कि अभी तो ये तो स्टार्टिंग है, अभी इस्लाम एक्सेप्ट जानना बहुत बाकी है, अभी तो सिर्फ ट्रेलर दिखाया है। तो फिर उसने बोला कि इस्लाम के बारे में जानो और फिर अपना ओपिनियन दो। कि पहले फिर उसने इस्लाम के बारे में वीडियो सेंड करने लगी, कोई मौलाना के, कोई बहुत बड़े, कोई पाकिस्तान के हो, कोई कहीं के भी हो, इंडिया के भी हो, ऐसे वीडियोस देना स्टार्ट करी, जिससे मेरा माइंड इतना चेंज हो गया कि अभी जो है वो इस्लाम ही सबसे बेस्ट है, अल्लाह एक है। तो उसको भी भरोसा हो गया कि ये पूरी तरह कन्वर्ट हो चुकी है, कि वो रेडी है इस्लाम एक्सेप्ट करने के लिए। तो फिर उसको बहाना मिल गया मुझे बुलाने का, इंदौर बुलाने का बहाना मिल गया कि मेरे फ्रेंड की इंगेजमेंट थी, तो इंगेजमेंट में मैं गई, उसने मुझे वहाँ से लेके किसी के घर लेके गया, उसके कोई दोस्त किसी के घर लेके गया, वहाँ पे मुझे कलमा पढ़ाया, ला इला इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलल्लाह, ऐसे 3 बार मुझे कलमा पढ़ा के मुझे मुसलमान एक्सेप्ट करने का बोल दिया कि तू अभी इस्लाम में आ चुकी है। ऐसा बोल के मेरा नाम भी चेंज किया, ऐसा नाम चेंज करके मेरा खदीजा फातिमा रख दिया। नाम चेंज करने के बाद उसने वहाँ पे हमारा निकाह भी करवाया, ओरली निकाह, जस्ट अनलीगल था लेकिन ओरली था, मतलब उसमें कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह कुछ भी नहीं थे, हमारा निकाह करवाया वहाँ पे। फिर वहाँ से हम फिर निकाह करवाने के बाद मुझे गाजर का हलवा खिलाया वहाँ पे, कि खुशखबरी मिल गई उनको कि अभी मैंने इस्लाम भी एक्सेप्ट कर लिया, हमारा निकाह भी हो गया, तो उसकी खुशी में कुछ मीठा हो जाए, ऐसा बोल के गाजर का हलवा भी खिला दिया। फिर वहाँ से हम वापस इंगेजमेंट के जगह आए, फिर वहाँ से मैं वापस मेरे गांव आई। गांव आने के बाद फिर उसने मुझे फ़ोन किया कि मैं भी आऊँगा। फिर उसने वो आने तक उस पीरियड में भी वही चल रहा था कि इस्लाम के रोज़ नए नए वीडियोस, रोज़ नया कुछ, आज ये सीखते हैं, आज ये मोहम्मद पैगंबर के बारे में जानेंगे, आज इसके बारे में जानेंगे, आज उसके बारे में जानेंगे, जन्नत क्या होता है, जो दोजख क्या होता है, इन सब का क्या होता है, कौन का किस में जाता है, कौन किस में नहीं जाता है, ये सब सिखाया, ये सब बताया। तो फिर उसके बाद वो यहाँ आया गांव। फिर यहाँ आने के बाद उसने, उसके कोई साथी थे इमरान कलीम और फयाज़ नाम के, उनके साथ एक मौलाना भी था, तो उन्होंने वो यहाँ पे आया, मुझे वहाँ पे बुलाया बस स्टैंड पे। बुलाने के बाद उन्होंने मुझे मदरसा ले जाने के लिए फोर्स किया, लेकिन मैं जाने के लिए मना करी, तो उन्होंने उन तीनों सारों ने मुझे ज़बरदस्ती बिठा के मदरसा लेके गए, खड़की कोपर गांव तालुका का कोई मदरसा था, वहाँ पे लेके गए। वहाँ पे ले जाने के बाद मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करी,
वहाँ पे फिर मुझे कुछ पिलाया ज़बरदस्ती, वहाँ पे कुछ पिला के मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करी, मेरा सर भारी होने लग गया वहाँ पे, मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था, कुछ दिख नहीं रहा था इतना क्लियरली, लेकिन जितना मेरे को याद है उतना मैं आपको बता रही हूँ कि वहाँ पे मदरसा के अंदर हम गए, वहाँ पे कुछ बेड्स वगैरह थे, एक रूम था वहाँ पे मुझे ले जाया गया ज़बरदस्ती, वहाँ पे मेरे साथ ज़बरदस्ती अत्याचार हुआ। वहाँ पे होने के बाद जब मुझे वापस लाया गया, ज़बरदस्ती पकड़ के वापस लाया गया थोड़ी देर बाद, फिर उन्होंने मुझे वापस अपने घर के रास्ते भेज दिया, मैं अपने घर गई। फिर उनका वापस कॉल आया कि ऐसे ऐसी एक जगह है वहाँ पे अपने को बुला है, तो मैंने वहाँ से जाने के लिए मना कर दिया, तो उन्होंने बोला कि मेरे पास ऐसे फ़ोटोज़ और वीडियोज़ है तेरे, कि मैं तेरे सोशल मीडिया पे अपलोड कर दूँगा, वायरल कर दूँगा, जिससे तेरी बदनामी हो जाएगी। तो उस डर की वजह से मैं चली गई। चली जाने के बाद फिर उन्होंने वहाँ से कार ली, एर्टिगा वाइट कलर की कार थी, उसमें इमरान, मैं और सैम था, हम गए। उसने कार एक मिनट भी नहीं रोकी कहीं पे, तो सीधा समृद्धि महामार्ग रोड पे चलने लग गई, तो वहाँ से चली चली। फिर उन्होंने वहाँ पे भी मुझे समझाया, बहुत सारी स्टोरीज़ बताई ऐसे लोगों की, ऐसी लड़कियों की स्टोरीज़ बताई कि जो इस्लाम एक्सेप्ट करके उनकी शादियाँ होके वो औरंगाबाद करके शिफ्ट है और बहुत अच्छे से रह रहे हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि मेरे पीछे भी बहुत सारी लड़कियाँ हैं, जो 8-9 लड़कियाँ हैं मेरे गाँव की, कि उनका भी करने का है, तो उन्होंने ऐसा बोला। तो तब तो मेरा पूरा कन्वर्जन हो चुका था इस्लाम में, कि अभी तो मुझे तो खुशी की बात लगी कि और भी लड़कियां हैं। फिर बाद में मुझे सब पता चला, उन्होंने ज़बरदस्ती करी मेरे साथ, ब्लैकमेलिंग करी, मुझे वापस घर पे छोड़ा। वापस छोड़ने के बाद मुझे वो वापस रिटर्न चला गया। फिर उसने मुझे वहाँ से कॉल करके बोला कि अभी अपने को इस्लाम फैलाना है पूरा, अभी तो सिर्फ तुमने किया है, अभी तुम्हें भी फैलाना है, जैसे मैंने फैलाया तुम्हारे तक लाया इस्लाम, वैसे तुम भी लोगों के पास लेके जाओ। तो उसने सब मुझे बोला कि अपने फैमिली को भी बताओ कि इस्लाम क्या है। मैंने मना किया, तो उसने फिर से वही ब्लैकमेलिंग चालू कर दी कि मैं फ़ोटोज़ वीडियोज़ वायरल कर दूँगा, ब्लैकमेल करने लग गया। तो फिर उस डर से मैंने अपने फैमिली को बताया कि ऐसी ऐसी बात हुई है मेरे साथ। और घर वालों को मारूंगा, कुछ तेरी बहन को ले जाऊंगा, ऐसा भी कुछ उन्होंने कहा था? हाँ, उन्होंने बोला कि तेरी फोटोज वगैरह वायरल हो जाएगी, तुम्हारे घर की बदनामी हो जाएगी, फिर तुम्हारे अगर हमारे ऐसे बहुत सारे लोग हैं वहाँ पे जो हमारे अंडर है, हमारे जो हमारे सपोर्टेड में है, तो उन्होंने बोला कि तुम्हारे स्कूल जाते हुए तुम्हारी बहन कहाँ जाती है, कहाँ आती है, सब पता है, हम वहाँ से उठा लेंगे, कुछ कर देंगे, उनको मार देंगे, या फिर तुम सबको हम मार देंगे, या तो तुम इस्लाम एक्सेप्ट करो या फिर हम तुमको मार देंगे, ऐसा बताया, ऐसा धमकी दी। तो उस डर से मैंने फैमिली को सब मैटर बता दिया कि मेरे साथ क्या क्या हुआ। तो फैमिली और जो हमारे भैया लोग थे उनको मैंने सब कुछ बताया, उन्होंने मुझे समझा, फिर वो उन सबको लेके उन सबकी डिटेल्स निकाल के मैं पुलिस स्टेशन गई। लेकिन पुलिस स्टेशन पर ले जाने के बाद उन्होंने बोला कि जो भी मैटर है उसमें सिर्फ आरोपी आएगा। तो फिर मैंने ऑब्जेक्शन उठाया कि सिर्फ आरोपी कैसे आएगा, उनमें जो सपोर्ट करे बहुत सारे लोगों ने, उनका नाम क्यों नहीं आएगा। तो उन्होंने इतना मैटर सीरियस नहीं लिया, तो फिर हमारे भैया लोगों ने फोर्स करके और कुछ उनको समझा के कि ऐसी बात नहीं है, जो सिर्फ आरोपी है सिर्फ उसके ऊपर नाम नहीं ले सकते, बाकी जिन्होंने भी सपोर्ट किया उनका भी नाम आना चाहिए। तो ऐसा करके फिर हमने फाइल FIR दर्ज करवा दी। तो अभी तेरी क्या मांग है, इन लोगों को क्या सजा होनी चाहिए जिस तरह तुझे फंसाया, बाकी लड़कियों को भी इतना फंसाया, इसलिए क्या सजा होनी चाहिए उनको? तो ऐसा सबक सिखाना चाहिए कि वो बाद में कुछ ऐसा कर नहीं पाए, ऑब्जेक्शन को मतलब ये सोचने से पहले, करने से पहले बहुत बार सोचे कि एक लड़की ने अपने ऊपर इतना केस वगैरह कर दिया, तो इतना इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि बाद में उसको करने के लिए बहुत बार सोचना चाहिए। उनकी टीम मतलब जो भी बनी हुई है वो भी पूरी क्रैक हो जानी चाहिए कि अभी नहीं करेंगे अपन ऐसा सब।